सो हे माई फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल मेक DIY नेल आर्ट किट। सो आपको तो पता ही होगा, नेल आर्ट किट में सबसे मेन चीज़ होती है फेक नेल्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फेक नेल्स, और मैं फेक नेल्स बनाने के लिए प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली सबके पास होती है। तो ये देखिए, ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से मैं बनाऊँगी। आपके पास कोई भी प्लास्टिक बॉटल है या फिर कोई भी वेस्ट प्लास्टिक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमको एक प्लास्टिक की शीट चाहिए। देखिए, ऐसे कट करने के बाद आपको एक शीट कट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको एक छोटी सी पीस कट करना है। तो ये बॉटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्व है ऑलरेडी, ये थोड़ा राउंड शेप में है, और हमारा जो फेक नेल्स रहेगा वो भी थोड़ा सा कर्व रहता है, यानी कि थोड़ा राउंड शेप में रहता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपने नेल्स के हिसाब से यहाँ पर आपको शेप बना लेना है, कितना लॉन्ग चाहिए आपको। एक बिग फेक नेल्स भी आता है, जैसे भी आपको चाहिए आप बना सकते हो। एंड फिर उसके बाद कट करने के बाद थोड़ा सा आप इसको स्लाइटली थोड़ा ना राउंड कर देना, बिकॉज जो फेक नेल्स होता है वो थोड़ा कर्व होता है, एकदम भी फ्लैट नहीं होता। अगर आप फ्लैट बनाओगे तो वो शो नहीं देखा। तो देखिए, मैंने इसे हाथ से ही शेप दे दी हूँ, थोड़ा कर्व कर दी हूँ। और नहीं तो अगर आपके पास कोई पेन या कुछ भी रहेगा तो उससे भी आप ऐसे शेप दे सकते हो। देखो, जैसे मैं यहाँ पर स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए एकदम कर्व और राउंड शेप का बहुत ही अच्छा एकदम रियल फेक नेल्स बनेगा। तो देखिए, ये एक मैंने फिंगर का बना दी हूँ, ये थंब के लिए बनाई हूँ मैंने। इसी तरीके से बाकी सारी फिंगर्स के लिए भी आपको बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 5 फिंगर्स के लिए यहाँ पर नेल्स बना दी हूँ अलग अलग। देखिए, ये सबसे स्मॉल, ये थंब के लिए है। ऐसे करके आपको 5 नेल्स बना लेना है, ठीक है, अपने अपने नेल्स के हिसाब से। तो चलिए, अब हम ये फेक नेल्स के लिए जो पैकेट होती है, जैसे हम मार्केट से अगर परचेस करते तो एक पैकेट में आता है, तो कुछ उस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लिटर शीट एंड कलर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। एंड अब फेक नेल स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फोम टेप, ये भी डबल साइडेड है, फोम टेप का यूज़ कर रही हूँ, जिसपे हम अपने फेक नेल स्टिक करेंगे, जो कि हम बाद में निकाल भी सकते हैं, रिमूवेबल होगा, इस पर स्टिक भी हो जाएगा। एंड जब भी आपको आपका नेल्स चाहिए होगा तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हो, ये परमानेंटली इस पर स्टिक नहीं होता। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ऐसे आपका मतलब ये घूमेगा भी नहीं और इजीली यहाँ पर सेफ रहेगा, देखिए अच्छे से। तो इस पे देखिए मार्कर्स लगे हुए हैं ना, तो हम लोग इसे एसीटोन से रब करेंगे, बिकॉज़ वो परमानेंट मार्कर है, ऐसे नॉर्मली रब नहीं होगा। तो मैं इसे जो रेड रेड मार्कर थे ना, तो उसे मैं ये एसीटोन से रब कर रही हूँ। उप्स, यहाँ पर गंदा हो गया, देखो। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग वहाँ पर एक आर्ट पीस बना देंगे। आप इसे पहले ही क्लीन कर लेना, जब आप नेल्स बनाओगे स्टिक करने से पहले ही इसे क्लीन कर लेना। तो चलिए, जो यहाँ पर कोने में देखिए यहाँ पर कलर लग गया, तो हम उस पर एक डिज़ाइन बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप होममेड फेक नेल्स बना सकते हो, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारा कुछ बना सकते हो, अलग अलग कलर के भी बना सकते हो। अगर आप वाइट प्लास्टिक बॉटल लेते हो तो आपका ट्रांसपेरेंट वाइट नेल्स बन जाएगा, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन ट्रांसपेरेंट नेल्स हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे फेक नेल्स अपने घर पर बना सकते हो। अगर आपको पेपर से या फिर कुछ और चीज़ों से फेक नेल्स देखना है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फेक नेल्स लिख दी हूँ और ये एकदम रेडी है, जैसे आप मार्केट से परचेस करते हो सेम वैसी। तो चलिए, अब हम नेल आर्ट किट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉक्स ली हूँ, आप कोई भी एम्प्टी बॉक्स ले सकते हो, ये LED जो स्टार स्टिप्स का बॉक्स था वो ली हूँ मैंने, तो आप कोई भी ऐसा बॉक्स ले सकते हो। एंड ये जो फेक नेल्स के ऊपर हम लोग ने जो ग्लिटर शीट जो हमने लगाए थे, ये सेल्फ एडेसिव थी, तो मैं इसे यहाँ पर पील ऑफ कर देती हूँ एंड स्टिक कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको नेल किट में, नेल आर्ट किट में कुछ चाहिए होता है तो फेक नेल्स होता है। तो चलिए, सबसे पहले उसी को लगा देते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर दूसरी मेन चीज़ होती है वो मिरर तो चाहिए ही होता है, तो मिरर को भी यहाँ पर हम स्टिक कर देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये सब चीज़ के लिए मैं यहाँ पर फोम टेप यूज़ कर रही हूँ, सब चीज़ों को स्टिक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मिरर, इसे यहाँ पर स्मॉल सा मिरर है, मैं यहाँ स्टिक कर देती हूँ इसे। तो चलिए, अब नेल के लिए, नेल आर्ट के लिए हमको डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं ये रबर की जो कंटेनर था ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी स्मॉल कंटेनर होगा तो आप यूज़ कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आपको कंटेनर पे भी चाहिए क्या होममेड कंटेनर पे वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर से ले आऊँगी। तो चलिए अब मैं अपने स्टिकर बुक में से कुछ स्टिकर्स इस पे चिपका देती हूँ कंटेनर पर। तो अगर आपने स्टिकर बुक नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो बहुत लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारा प्यार मिला मुझे ये वीडियो पर, सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स। एंड ये है नेल आर्ट किट का डेकोरेशन आइटम, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है नेल पॉलिश, ज़रूरी से नेल आर्ट किट में होता है, तो चलिए मैं इसे भी रख देती हूँ। एंड ये है एक पेपर कप, एंड इसमें हम रखेंगे थोड़े बहुत कॉटन्स जो हम नेल जब नेल डेकोरेशन के लिए हमको लगता है या फिर नेल क्लीनिंग के लिए लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े बहुत कलरफुल कॉटन्स रख देती हूँ। एंड कुछ और डेकोरेशन आइटम है नेल आर्ट के लिए। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ अपने किट में रख सकते हो। तो एसीटोन मेन चीज़ है जब आप नेल पॉलिश लगाओगे, अगर आपको दूसरे कलर की लगाना है तो आपको रब करने के लिए एसीटोन चाहिए होता है। ये भी डेकोरेशन के लिए है नेल आर्ट। तो ऐसे आपके पास जो भी होगा सामान नेल आर्ट का आप अपने किट में रख सकते हो। ये है स्मॉल सी नेल पॉलिश, ये क्यूट क्यूट सी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए मैं इसे भी रख लेती हूँ। एंड ये है टेप, टेप से भी हम बहुत अच्छा नेल आर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये किट से नेल आर्ट की वीडियो चाहिए, ये ही किट से मैं बनाऊंगी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना मैं आपको नेल आर्ट कैसे करते हैं, कैसे आप फेक नेल्स को जो डेकोरेट कर सकते हो अच्छे से, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर से ले आऊँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नेल आर्ट के लिए कुछ टूल्स हैं, तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं एंड इसे हम स्टिक कर देते हैं। तो फोम टेप से मैं इसे स्टिक करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, बहुत दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए वीडियो भी आज फाइनली आ चुकी है। सो ये वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है नेल ग्लू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेल ग्लू, अगर आपको होममेड आपके पास नेल ग्लू नहीं है, आपको होममेड नेल ग्लू पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ थी मेरे पास, ये नेल कटर है, सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी हूँ। एक बिग सी हमारी एक अच्छी सी जिसमें सारी ही यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको एक नेल आर्ट में लगेगी। ये भी एक फेक नेल्स है, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी किट में बहुत सारा सामान रख सकते हो, किसी को ऊपर की तरफ हैंग कर सकते हो, किसी को स्टिक कर सकते हो, ऐसे करके आप बहुत अपनी क्रिएटिव सी नेल आर्ट किट बना सकते हो। घर पे आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप नेल आर्ट किट प्रॉपरली परचेस करने जाओगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाई कि कैसे आप अलग अलग चीज़ लेकर एक अपनी बड़ी सी नेल आर्ट किट बना सकते हो एंड फिर आप उसे डेकोरेट कर दो। सो फ्रेंड्स, मैं डेकोरेट करने के लिए अपनी स्टिकर बुक यूज़ कर रही हूँ। मेरे स्टिकर बुक में से जो भी स्टिकर है मैं वो लगा देती हूँ। आप भी, आपने भी ज़रूर बनाया होगा, तो आप भी अपनी नेल आर्ट किट को इसी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसी और किट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कौन सी किट नेक्स्ट आपको देखना है, कोई यूज़फुल सी अच्छी जो कि मार्केट से हम परचेस करने जाएंगे तो कॉस्टली पड़ती है, तो वैसी किट मुझे बताना तो मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, जो इसका फ्रंट साइड है उसे भी मैं डेकोरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पेपर लगा देती हूँ और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्विन टैग नेल आर्ट किट। तो मैंने यहाँ पर अपने नाम की अपने ब्रांड की किट बना ली हूँ, आप भी ज़रूर से बनाना। एंड अगर आप भी बनाओगे अपने नाम और अपने ब्रांड की किट तो मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे उसकी पिक भेजना, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छी सी क्रिएटिव सी नेल आर्ट किट बना दी जो कि हमने होममेड फेक नेल्स भी बनाया है इसमें। तो चलिए, ये है कुछ शाउट आउट्स, बहुत दिनों से शाउट आउट नहीं आ रहे थे तो फाइनली आज आ गया। इसमें आप सभी के नाम कवर हुए, अगर आपका नाम नहीं आया तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम डाल दूंगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।